हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। टुडे इज़ द लेक्चर 3 ऑफ कॉटिलेज एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉटिलेज। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉटिलेज। द फर्स्ट वन इज़ अ इलास्टिक कॉटिलेज, द सेकेंड वन इज हाइलिन कॉटिलेज एंड द थर्ड वन इज़ अ फाइबरस कॉटिलेज। सो स्टूडेंट्स, हम बारी बारी एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स इलास्टिक कॉटिलेज। स्टूडेंट्स, अगर इलास्टिक कॉटिलेज की बात की जाए तो इसमें हमारे पास एक ग्राउंड सब्सटेंस है और एक है हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जो इलास्टिक कॉटिलेज है स्टूडेंट्स, इसकी जो सेल है, सेल और क्लोज टुगेदर जो इलास्टिक कॉटिलेज है स्टूडेंट्स, इसमें जो सेल है वो एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोज है। इसका मतलब है कि इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉटिलेज टाइप्स। तो इसमें सेल क्लोज है तो इसका मतलब है सेल क्या है, इसमें ज़्यादा है। तो जो ग्रांड सब्सटेंस है उसके लिए कम स्पेस बचेगा, कम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बचेगा, तो इसका मतलब है इसमें लेस ग्रांड सब्सटेंसेस है। तो इसमें हमारे पास जो ग्रांड सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है, पहले नंबर पे हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स। इसमें हमारे पास क्या है, इस तरह के इलास्टिक फाइबर्स है और इस इलास्टिक फाइबर्स की वजह से ये क्या है, हमारे पास इलास्टिक है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेसिस है, इसमें हमारे पास जो अगला ग्रांड सब्सटेंस है वो हमारे पास है कोलेजन टाइप 2 फाइबर, जो कि पैरेलल अरेंज है। तो इसमें जो ग्रांड सब्सटेंस है वो हमारे पास इलास्टिक फाइबर भी है और कोलेजन फाइबर टाइप 2 भी है। स्टूडेंट्स, अगर इसको हम देखें तो इसका जो कलर है हमारे पास क्या है, येलोविश कलर है। लोकेशन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये जो इलास्टिक कॉटिलेज है ये पाया जाता है एक्सटर्नल एयर फ्लैप में, एपिग्लॉटिक्स में पाया जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब में पाया जाता है, वॉल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ये जो इलास्टिक कॉटिलेज है ये पाया जाता है। जो इलास्टिक कॉटिलेज स्टूडेंट्स, ये इलास्टिक भी है और टफ भी है। सेकंड नंबर पे बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है हाइलिन कॉटिलेज। एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक कॉटिलेज, इसमें जो सेल है लेस नंबर ऑफ सेल। एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक कॉटिलेज, इसमें जो सेल है वो क्या है, लेस नंबर ऑफ सेल है। क्यों? क्योंकि सेल एक दूसरे से क्या है, थोड़े फासले पे है। तो इसका मतलब है एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक कॉटिलेज, इसमें मोर ग्रांड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स हाइलिन कॉटिलेज जो है, ये हमारे पास मोस्ट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स, ये सबसे मोस्ट कॉमन, इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन कॉटिलेज है वो हमारे पास क्या है, हाइलिन कॉटिलेज है। अगर ग्रांड सब्सटेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर टाइप 2 जो कोलेजन है वो पाया जाता है। अगर इसका जो कलर है स्टूडेंट्स वो देखें तो इसका कलर हमारे पास क्या है, ब्लूइश वाइट। अगर लोकेशन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मौजूद है एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ऐसे कॉटिलेज को हमने नाम भी दिया था आर्टिक्यूलर कॉटिलेज। इन द नोज़, नोज़ के अंदर, इन द एयर, एयर के अंदर, ट्रेकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, इन द वेंट्रल एंड्स ऑफ रिब्स, ये जो हाइलिन कॉटिलेज है ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल भी है और टफ भी है। इसके अलावा ये स्मूथ भी है, स्मूथ है इस वजह से ये टिश्यू के ऊपर ग्लाइडिंग करता है। नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट्स हमारे पास है फाइबरस कॉटिलेज। एज़ कम्पेयर टू हाइलिन कॉटिलेज एंड इलास्टिक कॉटिलेज, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स है, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ सेल्स है। ये जो स्पेसिस है क्या है, लेक्यूना है। इसके अंदर क्या है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, ये है सेल और ये है लेक्यूना। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो ग्रांड सब्सटेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रांड सब्सटेंस की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें कोलेजन फाइबर टाइप 2 एंड टाइप 1 जो है कोलेजन जो फाइबर्स है ये पाया जाता है।
स्टूडेंट्स, जो कॉटिलेज है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज़्यादातर जो कोलेजन फाइबर्स है वो टाइप टू पाया जाता है, जो टाइप वन है ये बोन में पाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जो फाइबरस कॉटिलेज है इसमें टाइप टू के साथ टाइप वन कोलेजन फाइबर्स भी पाया जाता है। अगर कलर की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वाइट और ग्रेश इसका कलर है। लोकेशन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इंटर वर्टेब्रल जो डिस्क है, हमारे पास इंटर वर्टेब्रल डिस्क जो है स्टूडेंट्स, वो वर्टिब्रे में पाए जाते हैं, जो कि शॉक अब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा अगर फाइबरस कॉटिलेज की बात की जाए, तो ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फोसिस में पाया जाता है, जो हमारा जो पेल्विक है, राइट पेल्विक और जो हमारा लेफ्ट पेल्विक है, ये जो आपस में मिलाते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, कॉटिलेज है, जिसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फोसिस। इसके अलावा मिनिशी है, जो कि लेग में पाया जाता है, नी जॉइंट में पाया जाता है, ये भी कॉटिलेज है। इन द अटैचमेंट ऑफ सर्टन लिगमेंट्स, वो मुख्तलिफ जो लिगमेंट्स है उनकी जो अटैचमेंट का जो पॉइंट है, वहाँ पर भी फाइबरस कॉटिलेज पाया जाता है। तो होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को इलास्टिक कॉटिलेज, हाइलिन कॉटिलेज और फाइबरस कॉटिलेज में जो डिफरेंस है, इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बोन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।